तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर की पांच टिप्स एंड ऐसी ट्रिक्स जो न तो आपने कभी देखी होगी और न ही आप लोगों को शायद पता होगा। और ये जो टिप्स और ट्रिक्स मैं जो बताने वाला हूँ वो आप बेहद ही आपके लिए काम की है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो है वो शुरू करते हैं। जो पहली टिप्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, टास्क मैनेजर है वो ओपन करना। तो टास्क मैनेजर है वो हम लोग कैसे ओपन करेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो अपनी की बोर्ड से अलर्ट शिफ्ट और साथ में स्किप बटन है वो तीनों प्रेस करने हैं। मैं स्क्रीन पे कीबोर्ड दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये तीनों बटन है वो साथ में प्रेस करने हैं। जैसे आप तीनों बटन साथ में दबाओगे तो स्क्रीन पे आपके वो टास्क मैनेजर है ओपन हो जाएगा। ये देखिए, टास्क मैनेजर है वो ओपन हो गया। तो इस प्रकार से आप है वो टास्क मैनेजर है वो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से वो ओपन कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा, जो मैंने अभी टास्क मैनेजर ओपन करना आप लोगों को बताया है। वैसे आप सिंपली टास्क मैनेजर कैसे ओपन करते हो, सर्च बार में जाके वहाँ पे सर्च करते हो टास्क मैनेजर, तो इससे आपका टाइम है वो बहुत ही वेस्ट होता है। तो इस शॉर्टकट तरीके से आप वो टास्क मैनेजर है वो ओपन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं टिप्स नंबर दो की। टिप्स नंबर दो है वो है वेबसाइट को ब्लॉक करना। यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोई भी ऐसी वेबसाइट है उसको ब्लॉक करना चाहते हो, जैसे मान लो गूगल है, फेसबुक है, एक एग्जांपल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस टाइप से आप किसी भी वेबसाइट को वो ब्लॉक कर सकते हो। तो वो आपके ब्राउजर में आप सर्च करोगे फिर भी वो ओपन नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे ब्लॉक करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने विंडो बटन और आर को दोनों को साथ में वो प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तब आपके रन कमांड है वो ओपन हो जाएगी। वैसे आप सर्च करके RUNE रन सर्च करके भी इसको ओपन कर सकते हो, और मैंने इसको शॉर्टकट से ओपन किया है, तो आप वैसे शॉर्टकट से भी ओपन है वो कर सकते हो। तो अब सेम टू सेम ये फाइल है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यदि आप टाइप नहीं भी करना चाहते हो तो आप सी ड्राइव के अंदर विंडो सिस्टम 32 के अंदर ड्राइव सिस्टम में जाके फिर ATC नाम से एक फोल्डर है उसको क्लिक करके वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कमांड देके, तो मैं यहाँ पे टाइप करके वो डायरेक्ट ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको एक ये फाइल बनी हुई दिखाई दे रही है, इस फाइल को है वो आपको ओपन करना है, और इस फाइल को आपको है वो नोटपैड के अंदर है वो ओपन करना है। तो मैं इसको नोटपैड के अंदर है वो ओपन कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो आपको ये IPS एड्रेस नज़र आ रहा है सेम टू सेम वही का वही हमें IPS एड्रेस लिखना है। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ एक है वहाँ पे आपको है तो वो दो टाइप कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्पेस देके लिख, जैसे मैं गूगल को ब्लॉक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा google.com, और वापस यही का यही सेम का सेम एड्रेस है वो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके वापस है वो पेस्ट कर दूँगा, और स्पेस देके लिख दूँगा www.google.com। मैंने www क्यों लगाया है, क्योंकि एक वेबसाइट है वो www से स्टार्ट होती है और एक है वो सीधी स्टार्ट होती है। तो दोनों तरीके से मैंने वो गूगल को है वो ब्लॉक कर दिया। अब सिंपली आपको यहाँ पे आना है और सेव करना है। तो मैं इसको सेव करने से पहले आपको चेक करा देता हूँ कि मेरे वाले में गूगल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये देखिए, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, गूगल चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिंपली सेव पे है वो क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। जहाँ आपका गूगल चल रहा है वहाँ पे आप गूगल को वापस रिफ्रेश करोगे तो गूगल है वो नहीं चलेगा। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, अब मैं गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ पे इसको वापस है वो रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, अब वो गूगल है वो नहीं चल रही है। तो अब वापस इसको आपको अनब्लॉक करना है, तो सेम वही का वही प्रोसेस आपको करना है। इसको जाना है, यहाँ से इसको क्लिक करना है, नोटपैड में इसको ओपन करना है। हम लोगों ने जो यहाँ पे लास्ट में गूगल वाला ये लगाया था इतने सिस्टम को है वो वापस क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और रिमूव करके यहाँ से वापस उसको वो सेव कार्ड हो जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ आपको वापस। चलिए चलते हैं वापस ब्राउज़र में और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, चल गया, चल पड़ा अपने आप ही। तो ऐसे भी आप भी है वो अपने किसी भी वेबसाइट को है वो ब्लॉक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप है वो किसी भी वेबसाइट को है वो ब्लॉक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर तीन की। तो टिप्स नंबर तीन क्या है, इनक्रिप्ट फाइल्स है।
तो इनकरप्ट फाइल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं। यदि मान लो आपका कोई भी ऐसा फोल्डर है जिससे जैसे आपकी कोई फोटो है, पिक है, वीडियो है या कोई भी डेटा है जो आप बहुत ही जरूरी है और आपको डर है कि ये लीक न हो जाए, इनक्रिप्ट फाइल्स एंड फोल्डर की, तो कैसे करेंगे हम लोग तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो कोई भी आपका जो फोल्डर है वो कॉपी करके लेके चला जाता है आपके कंप्यूटर से, तो वो दूसरे पीसी के अंदर है वो नहीं चलेगा, आपके पीसी में जिसमें वो कॉपी किया हुआ है उसी के अंदर चलने वाला है। कैसे, तो चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपको मैं एक उदाहरण तौर पे बता दूं, मेरे ये डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है, उस फोल्डर को आपको राइट क्लिक करना है अपने माउस से और आपको लास्ट ही लास्ट में प्रॉपर्टीज पे वो क्लिक करना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे ये लास्ट वाला जो फंक्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है ना इनक्रिप्ट, तो इस पे आपको है वो ओके करना है, ओके करके अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। अब ये जो फाइल आपकी बनी है, ये जो फोल्डर बना है वो आपके पीसी के अंदर तो शो होगा, जैसे ये मेरी फोटो है ये पीसी के अंदर शो हो जाएगी, लेकिन यही फोल्डर यदि कोई मेरा दोस्त या कोई भी यहाँ से कॉपी करके लेके जाता है तो उसके पीसी में वो नहीं चलेगा। तो आप भी करें इस तरीके से और आप बेफिक्र हो जाएं, आपका फोल्डर कहीं भी जाए वो फाइल है वो इनकरप्ट बताएगी, वहाँ पे उस पीसी के अंदर है वो नहीं चलने वाली, चाहे वो कितनी बार भी कॉपी करके ले जाए। इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर को है वो इनकरप्ट है वो कर सकते हो। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। टिप्स नंबर 4 जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेहद ही आपके लिए जरूरी है। किसी भी वाईफाई का पासवर्ड है वो कैसे पता करें, तो चलिए इस स्क्रीन पे मैं और बताता हूँ आपको किसी भी वाईफाई का है वो पासवर्ड है वो आप कैसे पता करोगे। तो आपको वाईफाई का पासवर्ड पता करना है, जैसे मेरे वाले पीसी के अंदर है वो वाईफाई है वो कनेक्टेड है टेक्निकल दोस्त इंडिया नाम से, तो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर और मुझे इसके पासवर्ड है वो पता करना है कि पासवर्ड क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से कमांड पोर्टल है वो ओपन करना है, तो मैं यहाँ से कमांड मोड है वो ओपन कर लेता हूँ और अब आपको यहाँ पे टाइप करना है netsh और स्पेस देना है, फिर लिखना है wlan, फिर आपको स्पेस देना है और बाद में करना है, उसके बाद टाइप करना है शो, स्पेस देना है, उसके बाद लिखना है प्रोफाइल profile प्रोफाइल टाइप करने के बाद स्पेस देना है और उसके बाद लिखना है जो अभी नाम था टेक्निकल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्निकल दोस्त इंडिया और स्पेस दूंगा और लिखूंगा की और इक्वल का सिंबल लगाऊंगा और लिखूंगा क्लियर clear और क्लियर लिख के इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तब आपको वो पासवर्ड का ऊपर है वो शो हो जाएगा कि इसके जो पासवर्ड है वो क्या है। तो यहाँ पे की नाम से एक फंक्शन है तो उस पर आपको पूरा का पूरा है वो पासवर्ड है वो सारा का सारा पासवर्ड है वो ओपन करके दिखा देगा कि इसके अंदर है वो क्या पासवर्ड है। तो यहाँ की वाले जो फंक्शन है उसके अंदर पासवर्ड है वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तरीके से आप किसी भी वाईफाई के पासवर्ड है वो पता कर सकते हो कमांड दे के, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं लास्ट, तो फोल्डर को है वो हाइड कैसे करें। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोई भी आपका ऐसा पर्सनल फोल्डर है जिसके अंदर फोटो डॉक्यूमेंट जो भी है उसको आप हाइड करना चाहते हो, यानी फोल्डर को गायब करना चाहते हो कि कोई भी आपका पीसी यूज करे या आपका दोस्त है या आपके फैमिली से रिलेटेड कोई भी है वो आपका कंप्यूटर चलाए और वो फोल्डर है वो उनको शो न हो, फोल्डर वहाँ से गायब हो जाए, हाइड हो जाए, तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसे हाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फोल्डर को वो कैसे हाइड करते हैं। सपोज मान लो मेरा ये एक फोल्डर है मुझे इसको हाइड करना है, तो आपको सिंपली यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे हाइड फोल्डर का नाम ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसे अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ये फोल्डर है गायब हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि फोल्डर है वो पूरा का पूरा है वो हाइड हो चुका है। अब मुझे इस फोल्डर को वापस देखना है तो यहाँ पर आपको व्यूज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर ही ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तब नीचे नीचे देखो यहाँ पर दे रखा है हिडन आइटम्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो फोल्डर आपको शो हो जाएगा। वापस इसको गायब करना है तो इसे क्लिक हटा दोगे तो वापस गायब हो जाएगा, वापस शो करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो वापस शो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इससे आपका फोल्डर भी सिक्योर रहता है। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ।
तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर को वो हाइड कर सकते हो, गायब कर सकते हो, जिससे वो किसी को भी शो नहीं होगा। और जब आप देखना चाहो उस फोल्डर को तो आप इस तरीके से वापस देख भी सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हो और इसी तरीके से शो भी कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।